नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 4 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 12 भेड़िए की सुंदरता। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 यानी कि अज्ञात, तो जो हमने इसका अभ्यास किया था, क्या नाम था उसका? हाँ, तिरंगा झंडा। तो झंडे के बारे में मैंने आपको समझाया था कि तिरंगा झंडा, तो तिरंगा झंडा में यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? केसरी, सफेद और हरा। तो सफेद रंग के पट्टे में क्या है? अशोक चक्र। तो हमने तिरंगे झंडे के बारे में समझा था और अभ्यास किया था। तो आज हमें चैप्टर नंबर 12 भेड़िए की सुंदरता के बारे में अभ्यास करना है। भेड़िया, भेड़िया यानी क्या? गरुड़। तो भेड़िए की सुंदरता, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपके पुस्तक में पेज नंबर 30 पर दिया है भेड़िए की सुंदरता। आप लोग पुस्तक लेकर बैठे हो, है ना? हाँ, तो उसमें आप लोग देखिए कि पुस्तक में आपको चित्र दिया है जिसमें दो चित्र है। पहला चित्र है जिसमें भेड़िया यानी कि गोरू, तो इसमें देखता है एक आईना है, तो आईने में वह अपनी शक्ल देखता है। और जो दूसरा चित्र है उसमें आईना वही का वही है, लेकिन जो भेड़िया है वह दौड़ते हुए देखने को मिलता है, तो आप लोग देख सकते हो। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे, तो आप लोग पुस्तक में ध्यान देना। एक भेड़िया था, वह अपने को बहुत सुंदर समझता। एक भेड़िया था यानी कि एक कौन था? भेड़िया। तो वह अपने को यानी अपने आप को, वह खुद को कैसा समझता था? कि बहुत सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। एक दिन जंगल में उसे क्या मिला? तो एक आईना, आईना यानी दर्पण। और बीजा शब्द में आपने कहिए गुजराती में तो शू कहवाय और ई सो। तो वह आईने में अपनी सूरत देखता है। देखिए, भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे, इतनी डरावनी! कौन बोलता है? भेड़िया। तो जो भेड़िया था वह अपने आप को यानी कि खुद को क्या समझता था? सुंदर। तो उसको एक दिन जंगल में एक आईना मिल जाता है और वह आईने में अपनी सूरत देखता है। तो उसमें वह सूरत देखकर क्या बोलता है? कि बाप रे बाप, इतनी डरावनी! भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। आईना वही छोड़कर वह भाग गया। आपने चित्र में देखा कि जो आईना है वह वहां का वहां है, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। तो क्या है कि एक भेड़िया यानी कि एक गरुड़, एक भेड़िया है जो अपने आप को यानी कि खुद को वह बहुत सुंदर समझता है, लेकिन उसे एक दिन जंगल में एक दर्पण यानी कि आईना मिल गया। और वह आईने में जब अपने सूरत देखी उसने यानी कि चेहरा देखा, तो वह अपने ही चेहरे से अपनी ही सूरत से वह डर गया और वह अपने आप बोल उठा कि बाप रे बाप, इतनी डरावनी, डरावनी यानी डरावनी। तो ये बाप रे बाप, इतनी डरावनी। तो भेड़िया अपनी ही सूरत से क्या हो गया? डर गया। और जो आईना था वह वहां का वही छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे भेड़िए के बारे में हमको बताया है, भेड़िया यानी गरुड़। तो हूँ तुमने गुजराती में समझाओ तो के एक गरु सुहादुर, हाँ गरु। तो गरु तीन पोतानी जात में એટલે કે તે પોતાને બહુ જ સુંદર સમજે છે। તે એક દિવસ તેને જંગલમાં એક દર્પણ એટલે કે ઓરિસો મળે છે અને તે પોતાનો જે ચહેરો
આંગણમાં જુએ છે અને તે પોતાની જાતને જ કહે છે કે બાપ રે બાપ આટલી ડરામણી, તો તે પોતાના ચહેરાથી ભીની જાય છે. કેમ કે તેને બીક લાગે છે અને તે તેને તેના ચહેરાથી જ તે ડરીને ત્યાંથી ભાગી જાય છે અને અરીસો ત્યાં ત્યાં મૂકીને તે દોડીને ભાગી જાય છે. તો સમજને આયા કે ભેળીએ કી સુંદરતા? તો હવે એ પુસ્તક ભેળીયા હે જો મેં આપકો અચ્છી તરહ સે સમજાયા. તો આપ લોગ ભેળીએ કે બારે મેં જાનતે હો ભેળીયા, યાની કી ગરુ. તો વો કહાં રહેતા હે? જંગલ મેં હે ના. હા, તો વો જંગલ મેં રહેતા હે. તો એક દિન વો જંગલ મેં ગયા ઓર વહાં ઉસે ક્યા મિલા? દર્પણ. ક્યા મિલા? દર્પણ, યાની કી આયના મિલા. તો હમ લોગ ભી હમારા જો ચહેરા હે વો કિસને દેખતે હે? આયને મેં, યાની કી અરીસામાં. તો તેવી જ રીતે ગરુ પણ પોતાનું જે સુરત, પોતાનું જે ચહેરો છે તે અરીસામાં જોવે છે અને તે ડરીને ભાગી જાય છે. તો આજે ભેળીએ કી સુંદરતા. તો અબ હમ ઇસકા શબ્દાર્થ દેખેંગે. તો દેખીએ, ભેળિયા, ભેળિયા યાની ગરુ. હિન્દીમાં આપણે શું કહીશું? ભેળિયા. અને ગુજરાતીમાં શું કહીશું? ગરુ. ફિર હે બહુ. ક્યા હે? બહુ. તો જો બહુ હે તો હિન્દી મેં બહુ, લેકિન ગુજરાતી મેં હમ ઉસકો ક્યા બોલેંગે? ખૂબ. ફિર હે આયના. તો હિન્દી મેં હમ આયના બોલેંગે ઓર ગુજરાતી મેં હમ ક્યા બોલેંગે? દર્પણ. મેને આગે આપકો બતાયા દર્પણ. દર્પણ આપણે બીજા શબ્દમાં કહીએ તો શું કહેવાય? ઓરિશો. ફિર હે સુરત. હિન્દી શબ્દ ક્યા હે? સુરત. તો સુરત યાની ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીશું? ચહેરો. શું કહીશું? ચહેરો. ફિર હે ડરાવણી. ક્યા હે? ડરાવણી. તો જો ડરાવણી હે તો ઉસકો હમ ક્યા બોલેંગે? ડરાવણી. હિન્દીમાં ડરાવણી, ગુજરાતીમાં ડરાવણી. તો હવે ફરીથી સમજી લઈએ. તો કે ભેળિયા યાની બરુ, બહુ યાની ખૂબ, આયના યાની દર્પણ, સુરત યાની ચહેરો, ડરાવણી યાની ડરાવણી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમને ઉપયોગ કરકે શબ્દાર્થ સમજે. અબ આપકો દિયા હે સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાય મેં આપકો પ્રશ્ન નંબર એક દિયા હે, જિસમે હે કે નિમ્નલિખિત હિન્દી શબ્દો કે પાસ ગુજરાતી શબ્દ લખી. દેખીએ, મેને યહાં પે લિખા હે કે હિન્દી શબ્દ કે પાસ ગુજરાતી શબ્દ લખીએ. તો આપકી પુસ્તક મેં આપકો દિયા હે, જિસમે પહેલા શબ્દ ક્યા હે? તો કે સુરત. ક્યા હે? સુરત. તો મેને આપકો અભી સમજાયા સુરત. સુરત ને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીશું? હા, શું કહીશું? ચહેરો. મેને યહાં પે આન્સર લિખે હે. તો સુરત, સુરત ને શું કહીશું? ચહેરો. હિન્દીમાં સુરત અને ગુજરાતીમાં ચહેરો. ફિર આપકો દૂસરા શબ્દ દિયા હે કે ભેળિયા. ક્યા દિયા હે? ભેળિયા. તો ભેળિયા યાની ભેળિયે કો હમ ગુજરાતી મેં ક્યા બોલેંગે? હા, ક્યા બોલેંગે? ગરુ. તો દેખો મેને યહાં પે લિખા હે ગરુ. હિન્દી મેં ભેળિયા, ગુજરાતી મેં ગરુ. ભેળિયા, ગરુ. સમજ મેં આયા? અબ આગે તીસરા શબ્દ દિયા હે તો ઉસમે ક્યા હે? આયના. ક્યા હે? આયના. તો જો આયના
गुरु फिर है आईना तो आपने हिंदी में शू कहीशू आईना और गुजराती में आपने शू कहीशू दर्पण फिर है डरावनी क्या है डरावनी तो डरावनी को हम गुजराती में क्या लिखेंगे डरावनी फिर है बहुत तो बहुत को हम गुजराती में क्या लिखेंगे खूब फिर है जंगल तो जंगल को हम गुजराती में क्या लिखेंगे जंगल देखिए सूरत यानी चेहरो भेड़िया यानी बरो आईना यानी दर्पण डरावनी यानी डरावनी बहुत यानी खूब जंगल यानी जंगल तो विद्यार्थी मित्रों समझ में आया कि हिंदी शब्द को हम गुजराती में कैसे लिखते अब आपको प्रश्न नंबर दो दिया है तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो आपको पहला प्रश्न दिया है इसमें कि भेड़िया अपने को कैसा समझता था क्या प्रश्न दिया है कि भेड़िया अपने को क्या समझता था तो बताइए क्या जवाब आएगा कौन बताएगा हाँ तो क्या जवाब आएगा कि भेड़िया अपने को बहुत सुंदर समझता था हमें प्रश्न दिया है कि भेड़िया अपने को कैसा समझता था तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि भेड़िया अपने को बहुत सुंदर समझता था ये हमने आके देखा है ना हाँ तो फिर दूसरा प्रश्न दिया है कि भेड़िए ने आईने में क्या देखा बताइए कि भेड़िए ने आईने में क्या देखा हाँ तो क्या देखा था अपनी सूरत तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी है ना ये भी हमने आगे देखा तो हमने क्या जवाब लिखेंगे कि भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी फिर आगे प्रश्न नंबर तीन क्या है कि भेड़िया क्यों भाग गया भेड़िया क्यों भाग गया तो ये भी हमने आगे देखा तो क्या था जवाब आएगा क्या था बताइए उसमें क्या आएगा हाँ तो हम जवाब क्या लिखेंगे कि भेड़िया अपने ही सूरत से डर गया इसलिए वह भाग गया सही है ना कि भेड़िए ने जो अपनी सूरत थी वह कहाँ देखी आईने में उसको आईना कहाँ मिला था जंगल में तो वह अपनी ही सूरत से डर गया और वहां से भाग गया चलो अब हम फिर से देखते हैं प्रश्नों के उत्तर लिखिए उसमें पहला प्रश्न है कि भेड़िया अपने को कैसा समझता था तो क्या जवाब आएगा कि भेड़िया अपने को बहुत सुंदर समझता था फिर दूसरा प्रश्न है कि भेड़िए ने आईने में क्या देखा तो क्या जवाब आएगा कि भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी फिर तीसरा प्रश्न देखे कि भेड़िया क्यों भाग गया तो क्या जवाब आएगा कि भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया इसलिए वह भाग गया तो हमने आज क्या देखा भेड़िए की सुंदरता तो उसमें क्या क्या आया हमने उसका सभ्य भी देखा तो बताइए क्या आया तो क्या था कि एक भेड़िया था वह अपने को बहुत सुंदर समझता था लेकिन वो खुद को सुंदर समझता था लेकिन एक दिन वह जंगल में उसको क्या मिला तो आईना आईने की दर्पण मिला तो भेड़िए ने आईने में क्या देखा अपनी सूरत देखी और अपनी ही सूरत से वह डर गया और वह बाप रे इतनी डरावनी तो यह जो अपनी सूरत देखकर भेड़िया क्या हो गया
डरावनी बनानी, डरावनी। फिर हमने दूसरा क्या देखा आगे, स्वाध्याय में प्रश्न नंबर एक, जिसमें देखा कि हिंदी शब्द के पास गुजराती शब्द लिखिए, तो क्या था, सूरत, सूरत यानी चेहरो, भेड़िया, भेड़िया यानी बरू, आईना, आईना यानी दर्पण। फिर हमने क्या देखा, डरावनी, तो डरावनी यानी डरावनी, बहुत, बहुत यानी खूब, जंगल, जंगल यानी जंगल। फिर है प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो उसने हमें पहला प्रश्न क्या देखा कि भेड़िया अपने को कैसा समझता था, तो क्या जवाब आएगा कि भेड़िया अपने को बहुत सुंदर समझता था। फिर दूसरा प्रश्न कि भेड़िये ने आईने में क्या देखा, तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि भेड़िये ने आईने में अपनी सूरत देखी। फिर क्या तीसरा प्रश्न है कि भेड़िया क्यों भाग गया, तो हम क्या लिखेंगे कि भेड़िया अपने ही सूरत से डर गया, इसलिए वह भाग गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको यह